जब आपको पिंपल्स हुए हैं और साथ में जैसे कि कील मुहासे हैं, तो उससे बचने के लिए और उसे ठीक करने के लिए जैसे डार्क स्पॉट को आप यूज कर सकते हैं वह क्लिंडामाइसिन प्लस निकोटिनामाइड मॉलिक्यूल। तो हम ऐसे ब्रांड के बारे में बात करें जिसके अंदर ये मॉलिक्यूल है, तो हम बात करें क्लियर विन जेल के बारे में जिसके अंदर दोनों मॉलिक्यूल हैं। तो कैसे इसका इस्तेमाल करना है, कब करना है, इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी शेयर करने वाला हूँ। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें अगर आप पूरी जानकारी रखना चाहते हैं। तो जैसे कि आप अपडेटेड रहना चाहते हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। तो इसके अंदर जो दोनों मॉलिक्यूल है क्लिंडामाइसिन निकोटिनामाइड, ये काफ़ी अच्छे से वर्क करते हैं। क्लिंडामाइसिन एक एंटीबायोटिक है और जो निकोटिनामाइड है ये एक जो कि विटामिन B3 है। तो ये जो कि काफ़ी अच्छे से हेल्प करते हैं आपको जो कि पिंपल्स को ठीक करने के लिए। तो जो क्लिंडामाइसिन है ये बैक्टीरिया को मारता है जिसकी वजह से आपको पिंपल्स हो रहा है और जो कि थोड़ा बहुत जो स्कारिंग होता है उसके बाद जो पिंपल ठीक होने के बाद, और जैसे कि आपको डार्क स्पॉट आ रहा है उसे लाइटन करता है, स्वेलिंग रेडनेस को कम करता है वह जो कि निकोटिनामाइड है। तो इस तरह से दोनों मॉलिक्यूल वर्क करते हैं, आपके पिंपल्स को ये दबा देते हैं और उसे जो कि ठीक होने में मदद करते हैं, जो बैक्टीरिया जिसकी वजह से पिंपल्स हुआ है उसे मारने में मदद करते हैं और आपका रेडनेस स्वेलिंग को कम करते हैं। तो इस तरह से दोनों मॉलिक्यूल वर्क करते हैं। इसका जो आपका इस्तेमाल करना है वह आपको ट्वाइस डेली इस्तेमाल करना है, मॉर्निंग और इवनिंग। अच्छे से फेस वॉश कर लें आप, जहाँ पे पिंपल्स हुआ वहीं पे आपको इसे इस्तेमाल करना है, टिप करना है। और जैसे कि आप ट्वाइस डेली लगाते हैं तो काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट मिलता है। तो जब आपको पिंपल्स हुआ उस पर लगाना है, या जैसे कि आपको कील मुहासे हुए तब इसका लगाना है, जैसे कि आपको छोटे वाइट जैसे ब्लैक हेड वाइट हेड रहते हैं तो उस पर लगाना है, बहुत अच्छा रिजल्ट इसका मिलता है। इसका जो साइड इफेक्ट, आप काफ़ी इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा थिकी लेयर इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है आपको रेडनेस देखने को मिले, इरिटेशन इचिंग देखने को मिलता है। अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो एक बार डॉक्टर से जरूर इसके बारे में कंसल्ट करें, उसके बाद ही आप इसका इस्तेमाल करें और इसे परचेस करें, बिना डॉक्टर की सलाह से इसे ना परचेस करें ना इस्तेमाल करें। तो अगर आप वीडियो और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, वीडियो आपको ज़रा सा भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो मुझे सपोर्ट कर सकते हैं एक लाइक करके, जिससे मुझे इंकरेज मिलता है ताकि मैं और भी आपको अपडेटेड रखूँ नई नई मेडिसिन से जुड़ी जानकारी से। और जैसे कि आप अपडेटेड रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपका डाउट रिलेटेड जो कि तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।